बिहार बजट में बेरोजगारों के लिए वित्त मंत्री ने खोला नौकरियों का पिटारा। राज्य के विश्वविद्यालयों की 57 योजनाओं को मिली हरी झंडी। बिहार बजट में बेरोजगारों के लिए वित्त मंत्री ने खोला नौकरियों का पिटारा। बीते दिन बिहार विधानसभा में वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी के द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया गया, जिसमें वित्त मंत्री के द्वारा रोजगार की महत्व के बारे में बात करते हुए कहा कि हमारे द्वारा राज्य में 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की योजना बनाई गई है। उन्होंने बंपर बहाली का ऐलान करते हुए कहा कि बीपीएससी में 49,000 पद और एसएससी में 2900 पदों का सृजन किया गया है। इसके अलावा इस बार बजट में 63,900 पदों पर बहाली का प्रावधान है। वहीं पुलिस विभाग में 75,543 पद की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही प्रधान शिक्षक की बहाली 40,506 पद पर की जाएगी। सातवें चरण के लिए 44,193 माध्यमिक और 89,724 उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बहाली की जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बिहार बजट ने बनाया रिकॉर्ड, वित्त मंत्री ने की ये बड़ी घोषणाएं। बीते दिन महागठबंधन सरकार का पहला बजट पेश किया गया, जिसमें वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने 2023-24 के लिए 2,61,885.04 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इसके अलावा वैसी महिलाएं जो यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी करती हैं और इसके प्रारंभिक परीक्षा को पास कर जाती हैं, तो उन्हें मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार की तैयारी के लिए सरकार की ओर से क्रमशः 1,50,000 रुपए की राशि दी जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि इस बार बजट में नारी शक्ति के लिए 60 करोड़ रुपए, साइकिल योजना के लिए 50 करोड़, 10वीं पास छात्राओं की छात्रवृत्ति के लिए 94 करोड़, बालिका पोशाक योजना के लिए 100 करोड़ और मदरसे के लिए 40 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। राज्य के विश्वविद्यालयों की 57 योजनाओं को मिली हरी झंडी। बिहार सरकार के द्वारा राज्य के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस कराने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए 150 करोड़ रुपए की योजना पर काम शुरू की जा रही है। बता दें कि इसके तहत राज्य के 38 कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की 57 योजनाओं को राज्य सरकार की ओर से हरी झंडी दिखा दी गई है और साथ ही तत्काल अनुदान के रूप में 25 करोड़ रुपए की राशि जारी भी कर दी गई है, जिससे फिलहाल राज्य के 14 विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। मालूम हो कि इस योजना के तहत कॉलेज और विश्वविद्यालय में बहुउद्देशीय हॉल, सेमिनार हॉल, परीक्षा भवन हॉल, विज्ञान ब्लॉक समेत कई चीजों का निर्माण किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस कॉलेजों की लिस्ट में IIM बोधगया भी शामिल है। महागठबंधन की बजट पर सम्राट चौधरी की तीखी प्रतिक्रिया। बीते दिन बिहार बजट 2023-24 जारी किया गया, जिस पर बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि यह बजट पूरी तरह से दिशाहीन और डम्पोर रणसंघी घोषणाओं से भरा हुआ है। बजट में गांव, गरीब और बेरोजगारों की घोर उपेक्षा की गई है और यह बजट बेरोजगारों की आशाओं और उम्मीदों पर पानी फेरने वाला है। वहीं युवाओं को एक बार फिर से 10 लाख रोजगार का झुंझुना पकड़ा दिया गया है।